क्या बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद मेरे डायबिटीज में सुधार होगा? मेरा ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बेहतर कंट्रोल में आएगा? डायबिटीज की दवाइयां और इंसुलिन कम हो पाएंगे या वो पूरी तरह से बंद हो पाएंगे? मैं डायबिटीज का मरीज हूं, मुझे मेरे शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रह रहे हैं, दवाइयों और इंसुलिन की जरूरत काफी ज्यादा है, उसके बावजूद शुगर कंट्रोल में नहीं है, पर मैं ओबेज या मेदस्वी नहीं हूं, मेरा वजन उतना ज्यादा नहीं है, तो क्या मुझे इस प्रकार के ऑपरेशन से फायदा मिल सकता है? ये कुछ कॉमन और बुनियादी प्रश्न है डायबिटीज के ट्रीटमेंट, मेटाबॉलिक और बेरियाट्रिक सर्जन से संबंधित। मैं डॉक्टर चिराग ठक्कर, एक बेरियाट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जन, इन सारे प्रश्नों का सीधा और सटीक उत्तर देने जा रहा हूं। सर्जरी आपके डायबिटीज की ट्रीटमेंट का एक महत्वपूर्ण और अहम हिस्सा हो सकता है। हम सब जानते हैं कि डायबिटीज और ओबेसिटी यानी कि मेदस्विता काफी सारे मरीजों में साथ साथ देखने को मिलती है, और ओबेसिटी की फिलहाल की सबसे ज्यादा असरकारक इलाज यानी कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद में डायबिटीज में काफी अच्छा सुधार देखने को मिलता है। यहां तक कि हम ये बोल सकते हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद में डायबिटीज में सुधार वजन की कमी से पहले ही शुरू हो जाता है। ऑपरेशन के दूसरे ही दिन से ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बेहतर कंट्रोल में रहते हैं और डायबिटीज की दवाइयों की जरूरत कम होती है। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद ज्यादातर मरीजों में डायबिटीज में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलता है, ब्लड शुगर लेवल्स का कंट्रोल बेहतर होता है और दवाइयों और इंसुलिन की जरूरत काफी कम हो जाती है। काफी सारे मरीजों में दवाइयों और इंसुलिन की जरूरत पूरी तरह से भी बंद हो जाती है और बिना दवाइयों के उनके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं। मगर डायबिटीज की जैसी बीमारी के लिए दवाइयां और इंसुलिन पूरी तरह से बंद हो जाने के बाद में भी डायबिटीज का क्योर हो गया है या डायबिटीज पूरी तरह से नाबूद हो गया है, ये कहना उचित नहीं होगा। आपके केस में सर्जरी के बाद डायबिटीज में कितना सुधार देखने को मिलेगा, क्या आपकी दवाइयां और इंसुलिन पूरी तरह से बंद होने की संभावना है या नहीं, वो आपके पैंक्रियास के स्वास्थ्य और उसके कार्य क्षमता पे निर्भर रहता है। और कुछ ब्लड टेस्ट द्वारा हम आपके पैंक्रियास के स्वास्थ्य और कार्य क्षमता का सही अनुमान कर सकते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद डायबिटीज में सुधार और शुगर लेवल का बेहतर कंट्रोल ऑपरेशन के बाद होने वाले गट हार्मोनल बदलाव की वजह से होता है। बेरियाट्रिक सर्जरी के अन्य फायदे जैसे कि लंबे समय का और अच्छा वेट लॉस और अन्य बीमारियों में सुधार भी इसी गट हार्मोनल बदलाव की बदौलत होता है। ऐसे सारे डायबिटीज के मरीज जो कि मेदस्वी नहीं है, जिनका BMI उतना ज्यादा नहीं है, वेट उतना ज्यादा नहीं है, मगर उनका डायबिटीज कंट्रोल अच्छा नहीं है, उनकी दवाइयों की और इंसुलिन की जरूरत काफी ज्यादा है और दवाइयां और इंसुलिन के बावजूद शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं रहता है, ऐसे सारे मरीजों के लिए सर्जरी उनके इलाज का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। इस प्रकार के मरीजों में बेरियाट्रिक सर्जरी जैसी ही सर्जरी की जाती है जिसमें कुछ माइनर तकनीकी बदलाव किए जाते हैं जिससे कि डायबिटीज में सुधार हो सके उतना ज्यादा मिल पाए और वजन में कमी हो सके उतना कम। इस प्रकार की सर्जरी को मेटाबॉलिक सर्जरी कहते हैं, जिनका मेन एम या ध्येय डायबिटीज में सुधार का रहता है। बेसिकली ये तकनीकी रूप से बेरियाट्रिक सर्जरी जैसी ही सर्जरी होती है, कुछ माइनर बदलाव किए जाते हैं जिससे कि हो सके उतना अच्छा डायबिटीज और शुगर में कंट्रोल हम पा सकें और वेट लॉस हो सके उतना कम। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहता है या आपकी डायबिटीज की दवाइयां और इंसुलिन की जरूरत काफी ज्यादा है, या आप डायबिटीज के साथ साथ ओबेज भी हैं, मेदस्वी हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बेरियाट्रिक या मेटाबॉलिक सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपके लिए इस प्रकार की सर्जरी फायदेमंद रहेगी, एडवाइजेबल है या नहीं, तो
तो आप किसी बेरियाट्रिक या मेटाबॉलिक सर्जन से संपर्क करके उनको मिल सकते हैं। सलाह के लिए आप हमें भी कभी भी संपर्क कर सकते हैं, हमें कॉल करके या मैसेज करके, और आपको गाइड करके किसी प्रकार की सलाह देके हमें बेहद खुशी होगी।